मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पीछे सजावट देख रहे हैं, यही सिंपल सी सजावट कैसे मैंने किया, इसी की मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको दिखाने वाली हूँ। डिटेल ना हो पाए पर आप समझ जाओगे मेरी बातों से। तो ये सिर्फ, ये तो गणेश पूजा चला गया, किस काम का ऐसा मत सोचिए। ये सिर्फ गणेश पूजा के लिए ही अप्लाई नहीं कर सकते, आप कोई सा भी पूजा, छोटी मोटी पूजा, घर में जो कुछ भी पूजा करते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कभी ना कभी काम में आ सकता है। तो देखिए, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, मेरे पास तार पड़े हुए थे GIWare। आपके पास कोई भी राउंड शेप का कुछ भी चीज़ होगा तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने उसके ऊपर कपड़ा रैप कर लिया और उसके ऊपर कुछ टेप वगैरह, उसको मतलब थोड़ा सा लुक अच्छा दिखे, मोटा थोड़ा करने के लिए मैंने ऐसा किया। उसके ऊपर ये फ्लावर वगैरह चिपका दिया, देखिए ये जो बाकी क्राफ्ट्स के पेपर, उसके हेल्प से कुछ भी फ्लावर आप अपने हिसाब से कोई सा भी फ्लावर शेप बना के आप चिपका सकते हैं। और ये जाला वाला कपड़ा पूजा के दुकान में मिलता है, काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, यूज़ में नहीं की थी, पता नहीं किस काम के लिए लाई थी, तो अभी मेरे लिए काम में आ गया। तो देखिए, बीच बीच में मैंने इस तरह का जो गैप था, इस तरह का, आप कोई सा भी इसकी जगह पे भी आपके पास और कुछ कपड़ा है तो नेट कपड़ा वगैरह कुछ भी नया चीज़ आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ GIWare ही आपके पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कार्डबोर्ड से भी आप राउंड शेप में एक पीस निकाल सकते हैं और उसके ऊपर भी ये कुछ वर्क कर सकते हैं। बस ये जो गणेश भगवान की जो भी भगवान है उसके पीछे बैकग्राउंड में देने के लिए ये राउंड शेप मैंने एक बना लिया। और उसके बाद देखिए, ये मैं जो फ्रेम मेरे पास है, हमेशा मैं यूज़ करती हूँ उसी के ऊपर ही, मतलब वॉल में कुछ ना करके इसी में ही मैंने साड़ी से कुछ एक रंग के कलर और चमकीला भड़कीला साड़ी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, कुछ मैंने इस तरह से दो साड़ी निकाले और सिंपल से ऐसे टांग दिया, साइड में थोड़ा लटका दिया, और उसके ऊपर मेरे घर के पास आम के पत्ते खूब सारे हैं तो मैं आम के पत्ते की ढेर सारा माला बना ली। और केले के पेड़ भी हैं तो केले के पत्ते का भी मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे डेकोरेशन में यूज़ कर लिया। देखिए, मैंने पीछे की तरफ दो केले के पत्ते कुछ इस तरह से सेट कर लिए हैं जहाँ पे मैं भगवान जी को स्थापित करूँगी। तो एक्चुअली मैं जो स्थापित करने वाली हूँ वो बाज़ार से मार्केट में जो मिट्टी का मूर्त मिलता है वो वाला नहीं स्थापित करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये घर में पूजा कर रही हूँ और मैं खुद से पूजा करूँगी, मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स मिलके हम खुद से पूजा करेंगे। क्योंकि मिट्टी के मूर्ति जो हम मार्केट से लाते हैं उसको हमें जीवन प्रदान करना होता है, वो ब्राह्मण की द्वारा ही होता है, तो हमें ब्राह्मण बुला के तो पूजा करके जीव दान देना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए एक्चुअली हमारा वक्त नहीं था, पूजा ख़त्म करके हमें बाहर भी बाबू के स्कूल में भी जाना था, इसीलिए हमने सोचा कि हम घर की मूर्ति को ही स्थापित करके पूजा करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी शांति मिलता है, घर में वातावरण बहुत शुद्ध होता है। कोई मतलब हाँ, ब्राह्मण को बुला के घर में पूजा करने से और कुछ शुद्धता बढ़ जाता है, ये तो सही है, घर का वातावरण और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन जो भी करो मन से करो वो आपको खुशी ही देता है। पूजा भगवान नहीं बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण जी का मतलब बुलावा ही सुनूंगा, आप लोगों का नहीं, जो भी दिल से बुलाएंगे वो भगवान जी आपके पास आएंगे। तो चलिए, फाइनली मेरा जो तैयारी ये ख़त्म हो गया है और कुछ लाइट डेकोरेशन वगैरह भी मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है और उस चक्री के अंदर भी मैंने कुछ लाइट लगा दिए थे। फाइनली मेरा घर का पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी तैयार होना है बाबू के स्कूल जाने के लिए, वहाँ पे भी प्रसाद वगैरह सब कुछ लेके जाना है। तो चलिए, अगर आप लोगों का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गणपति बाबा का कृपा आप सभी पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, ऐसे ही हर साल हम मिलते रहें।